बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर जो क्लास टेंथ का है। क्लास टेंथ मैथ्स क्लास है, मैथ की क्लास है और एनसीईआरटी की बुक से रियल नंबर शुरुआत करते हैं। अब रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके और q इक्वल्स टू डज नॉट जीरो, हमें ये पता होना चाहिए, जिसको लिखा जा सके। और जिसको नहीं लिखा जा सके p बाय q की फॉर्म में तो उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। बात क्लियर हो रही है? अब स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब सबसे पहले लेमा क्या होता है, लेमा समझने के लिए देखते हैं क्या होता है लेमा। सबसे पहले दो टर्म्स देखेंगे, एक एल्गोरिदम होता है और एक लेमा होता है। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिवन अ प्रोसीड ऑफ सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम की टाइप को सॉल्व करने का सीक्वेंस, सीरीज जो होती है, पंक्तियां, कई सारे स्टेप्स समझ लो, स्टेप्स नहीं। और लेमा क्या होता है, अब बता देता हूँ थोड़ा सा। लेमा होता है जैसे कोई किसी मैथमेटिशियन ने किसी टॉपिक पे रिसर्च करा तो उसको क्या कह देंगे, थ्योरम कहेंगे, थ्योरम। अब किसी ने फर्स्ट टाइम जब यूज करा है इसको, किसी चीज टॉपिक पे रिसर्च किया है, फर्स्ट टाइम किसी मैथमेटिशियन ने किसी टॉपिक पे फर्स्ट टाइम अपने कुछ तथ्य दिए, उसी को क्या कह देते हैं, थ्योरम कह देते हैं। जब उन्हीं थ्योरम्स का मतलब अब कोई और मैथमेटिशियन ने उन्हीं थ्योरम्स का यूज करके किसी और चीज पे बात बनाई है बातों को, या कोई स्टेटमेंट और दिया है सेकेंड मैथमेटिशियन ने और इसी थ्योरम का यूज करके, तो उसको क्या कहेंगे, लेमा कहेंगे। समझ में आया लेमा क्या होता है? ठीक है ना, किसी मैथमेटिशियन ने अगर फर्स्ट टाइम कोई भी चीज कोई भी रिसर्च के बारे में लिखता है तो वो अपने थ्योरम्स लिखेगा, लेकिन किसी के थ्योरम्स यूज की जाए तो उसको क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। अब इसमें क्या है, लेमा क्या होता है, अब देखो यूक्लिड ने दिया डिवीजन का लेमा, मतलब डिवीजन कॉन्सेप्ट पहले ही आ चुका था और उस डिवीजन कॉन्सेप्ट का यूज करके उन्होंने डिवीजन लेमा दिया है यूक्लिड ने। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? अब देखो भैया मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से ये जो थ्योरम बता रहे हैं ना, इस थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरम क्या कहते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाई। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चार को 15 को डिवाइड किया चार से तो कितना आएगा, 12 और यहां पे बच गया 3। ठीक है ना, या इसको 14 भी ले लो, 14 ले लेते हैं सबसे पहले, 14 लेंगे तब सही रहेगा, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल बनेगा ना तो हम कम समझ पाएंगे, 14 का ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने रखा 14 और ये हो गया 3 और ये बच जाएगा 2। अब ये क्या है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर जिससे भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। ये क्या है, कोशेंट है और ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है ना, कोशेंट और रिमाइंडर, कोशेंट को क्यू और रिमाइंडर। अब देखो भाई इसी वाले में बस इसका नाम ए रख दिया, डिविडेंड का नाम क्या रख दिया, ए रख दिया, डिवाइजर का नाम क्या रख दिया, बी रख दिया, कोशेंट का नाम क्यू रख दिया और इसका रिमाइंडर रख दिया।
अच्छा एक बात बताओ, आपने जब छोटी क्लास में पढ़े होगे तो आपने ये सीखा होगा कि भाई डिविडेंड कैसे निकालते थे, डिविडेंड कैसे निकालते थे, डिविडेंड मतलब चेक कैसे करते थे कि डिवीजन सही हुआ कि गलत हुआ, तो कैसे चेक करते थे, डिविडेंड डिवाइजर इनटू, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही करते थे, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही बातें करते थे। तो अब मैंने क्या मान लिया, डिविडेंड क्या है, ए है, डिविडेंड क्या है, ए है, डिवाइजर क्या है, बी है, और कोशेंट क्या है, क्यू है, और ये क्या है, आर है, रिमाइंडर आर है। अब एक चीज और भी है, यहां तक की बातें प्रूव हो रही हैं, समझ में आ रहा है कहां से ये निकला हुआ है, ये भाग का ही रूप है, ये डिवीजन का ही रूप है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और भी समझ लेते हैं, क्या है इसमें एक चीज समझना है कि भाई कह रहा है कि जो जीरो है ना, जीरो जो रिमाइंडर है वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर से एक कम रहेगा। यहां रिमाइंडर चार से एक कम रहेगा, तीन तक आ सकता है लेकिन चार नहीं होगा, अगर चार होता तो ये एक बार और डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। यहां तीन तक आ सकता है, मतलब एक कम है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे इक्वल का जो साइन दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो हो सकता है लेकिन बी है इससे छोटा होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन दे देते तो इसके बराबर हो जाता, नीचे इक्वालिटी का अगर ये साइन दे देते तो ये बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन नहीं दे रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार कभी भी नहीं होगा, समझ में आ रही है बात। कभी भी किसी भी भाग में, किसी भी डिवीजन में डिवाइजर से एक कम होगा डिविडेंड, ये बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं, वही बातें, लेमा और डिवीजन में क्या है कि लेमा क्या है, ये है कि भाई एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, वही बातें हैं कि भाई पहले थ्योरम होती है और उस थ्योरम का यूज करके हम किसी और स्टेटमेंट थ्योरम को प्रूव करते हैं, तो उसको लेमा कहते हैं, और लेमा के सीक्वेंस को एल्गोरिदम कहते हैं, लेमा के सीक्वेंस को, लेमा के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं और करते हैं शुरुआत, क्योंकि मैंने हाईलाइट कर रखा है ये, थोड़ा सा आप पढ़ लेना अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी मैंने बता दिया है, नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई। अब इसका यूज कहां पे होगा, एल्गोरिदम और लेमा का यूज कहां पे होगा, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एक HCF निकालने में। देखो इसका HCF निकालना है, HCF ऑफ, ऐसे लिखते हैं, HCF ऑफ 455 एंड व्हाट इसका, तो सबसे पहले हमने HCF सीखा ही है, सबसे छोटी वाली वैल्यू बाहर और बड़ी वाली वैल्यू अंदर रख दिया हमने। अब डिवाइड करते हैं, 42 यहाँ पे कितना आया, 3 या 5, तो भाई अब ये 42 से कम है तो एक जीरो और जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका यूज करते हैं, किसका, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं, तो ये क्या कहता है भाई। अब इसके एक एक स्टेप लिखते जाएंगे, अब बताऊंगा HCF कैसे होगा, एक एक स्टेप लिखते जाएंगे। पहले ए, मैंने इसने क्या बताया था, ए इंटू ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, तो ए कितना है 455, और ये कितना है, ये ए है, ये बी है, और ये क्यू है, और ये आर है। यहाँ पे देखो, ए बी कितना है 42 इंटू 10 प्लस आर कितना है 35,
अब मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ये ए जो लिखा है ए बी, अब इसको 35 है तो इसको 42 से डिव कर दिया, 42 ये इसको उठा के यहाँ पे डिवीजन के लिए। अब ये वन टाइम गया 35, यहाँ कितना बचा 7। अब फिर वही लिख देंगे कि भाई यहाँ पे ए अब क्या है, ए हो गया हमारा 42, 35 हो गया बी, और ये क्या हो गया कोसेंट हो गया, और ये क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। अब लिख देते हैं इसको 42 ए हो गया, बी हो गया 35, कोशेंट हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 7। बात क्लियर होगी। अब इरेज करते हैं फिर ये जो मैंने लिखा है इनको, समझ में आप आ रही है ना सारी बातें। एक एक चीज को ध्यान से सुनना, अगर समझ में ना आया तो दो बार वीडियो देख लेना, पक्का 100% समझ में आएगा। अब देखो भाई, इसको 7 को डिवाइड करेंगे 35 से, अब 35 तो 5 टाइम में जाएगा, ये 7 5 35, ये 0 आ गया। अब हम लिखेंगे ए हमारा क्या होगा, ए 35 होगा, बी 7 होगा, क्यू 5 होगा, और आर ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 35 बी होगा 7 और क्यू है 5 प्लस 0, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए और किस कोसेंट से हुआ है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। अब हमारा, अब यहां से होगा हैंस HCF ऑफ क्या 455 एंड 42 का HCF क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात क्लियर होगी, ये आंसर है। अब इसको इरेज कर देता हूँ, आपको PDF मिल जाएगी, PDF फॉर्म में ये सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और ऐसे ही प्रिंटेड रहेंगे। आप जब भी एक बार वीडियो देखिए और जब ना समझ में आया तो आप उसको देख लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट को क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 12576। इसके बारे में तो सबसे पहले करते हैं भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा। तो HCF निकालना है, HCF निकालना है किसका किसका, इसका और 12576 का, इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले भाई भाग देंगे, तो सबसे पहले 3 टाइम जाएगा क्योंकि ये भाई यहां पे 4000 है, देखो ये 4000 के आसपास है, ये 12000 के आसपास है, तो 3 टाइम ले जाएंगे। तो ये 3 टाइम में जाने के बाद क्या हो जाएगा 12156 हो जाएगा, 12156 3 टाइम लेके जाना और इसको मल्टीप्लाई कर देना, 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12156 आ जाएगा। अब यहाँ पे आया 6 में से 0, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 4, और ये तो 0 हो जाएगा। अब मैंने क्या स्टेप बताया था कि भाई अब इसको बार वाले को कर देंगे, तो ये 420 है, ये 4000 है, तो लगभग 9 टाइम जाएगा, 10 टाइम तो नहीं जाएगा क्योंकि ये 400 होता है तो 10 टाइम चला जाता है, लेकिन ये कितना है 9 टाइम जाएगा, 420 है तो 20 10 टाइम में हो जाएंगे, तो 200 यही हो गए, तो ये ज़्यादा हो रहा है ये कम हो जाएगा, तो हम 9 टाइम ले जाएंगे। 9 टाइम में कितना हो जाएगा 3780 हो जाएगा, 3780 420 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 2 7 और 2, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आया 420 को डिवाइड करेंगे किससे,
तो एक टाइम जाएगा ये लगभग 300 के आसपास है, ये 420 के आसपास है, तो ये कितना हो गया 272, कितना आया ये यहाँ पे 148, 272, ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे आया 124 माइनस करने पे 124 आएगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, 124 को डिवाइड करा 148 से, 124 को डिवाइड करा 148 से, वन टाइम जाएगा तो 24, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बच गया हमारा 4, यहाँ 2, 24 को 124 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, 24 पंजे पंजे होगा 120, 24 पंजे 120, यहाँ 4 बचा, अब 4 को 24 से कर देंगे तो कितना आया, 6 बार जाएगा, 6 × 6 = 0, तो यहाँ पे 0 आया, HCF हमारा क्या होगा, 4 होगा। अब देखते हैं कैसे, हमें बताया कि यूक्लिड का रूल यूज करना है, तो यूक्लिड बाय यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम इसका यूज करते हैं, तो हमें एल्गोरिदम क्या पता है, ए इक्वल्स टू बी इन टू क्यू प्लस आर, और क्यू इंटू आर हमें ये पता है, तो हम इन सारी चीजों को यूज करेंगे। सबसे पहले ए क्या है, 12576 इक्वल्स टू 4052 गुना 3 प्लस 420, अब 4000, अब यहाँ पे ए हो जाएगा ए और ये बी और ये हो जाएगा Q और ये R हो जाएगा, तो उठाते हैं भाई, चार सौ बीस गुना 9 प्लस 272, अब है 420 को A माना हमने और ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा, तो 420 272 इंटू 1 प्लस 148, और अब ये है A और ये B है, ये Q है और ये R है, तो 272 148 गुना 1 प्लस 124, अब 124 में हमने इसको A माना, इसको B माना, इसको Q माना और इसको R माना, 120, 148, 124 इंटू 1 प्लस 24, अब इसको A, ये B, ये Q और ये R होगा, ठीक है ना, तो अब करते हैं A कितना है 124 और ये B है 24 इंटू 5 प्लस 4, अब A क्या है 24, B क्या है 4 और ये 6 है Q और ये R 0, तो हम लिखेंगे 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0, नाउ वी कैन राइट व्हाट, वी कैन से HCF इक्वल्स टू 4, HCF इक्वल्स टू 4, यहाँ पे 0 आ गया, और ये जो सीक्वेंस आए ना, ये सीरीज आए, सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सीरीज आए इसी को एल्गोरिदम कहते हैं, वो सीरीज की जो बात हो रही थी ना अभी लेक्चर में, तो वही सीरीज है, ठीक है ना, आप नोट कर लेंगे, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा और ये सारी चीजें ए और बी ये सारी चीजें इरेज नहीं करूंगा, आप इसे समझेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव
इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहीं तक, यहीं पे क्वेश्चन को होल्ड रखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बार मैं हाइलाइटर यूज कर देता हूं और क्या कहते हैं कि भाई ये जो है ना इस फॉर्म में होती है टू क्यू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स इस फॉर्म में होते हैं। इस बारे में हम थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि भाई इवन नंबर होता क्या है। सबसे पहले इवन नंबर होता क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। इवन नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर जो दो से डिवाइड हो इवन नंबर होता है। बात क्लियर होगी। तो अब जैसे मैंने मान लिया कोई नंबर ले लो, ले लेते हैं 10, 10 दो से डिवाइड। अब कैसे इसको मानेंगे, 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब ये जो 2 × 5 है, इसी को ये जो 5 है इसी को मैं क्यू मान लेता हूं। तो मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज 2 से डिवाइड है तो उस नंबर के अंदर वो 2 का मल्टीपल, मतलब 2 से मल्टीप्लाई जरूर होगा। 2 टुकड़े ऐसे होंगे, कम से कम 2 ऐसे टुकड़े होंगे जिसके अंदर 2 जरूर होगा, ठीक है ना। यहां एक जगह 2 होना कंपलसरी है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो मल्टीप्लाई होगा अदर नंबर से, किसी और नंबर से, उसमें 2 जरूर होगा। बात क्लियर हो गई है, मतलब इस फॉर्म में जरूर होगा। ये समझाने का प्रयास किया मैंने वैसे ओरली। अब मैं वैसे तसल्ली से कैसे समझते हैं उस हिसाब से बातें बता देता हूं मैं, ठीक है ना। अब कैसे एग्जाम में लिखना है ये सारी चीजें, कैसे एनसीईआरटी बुक ने इस बारे में समझाया, इन सारी बातों को मैं अभी समझाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई अगर कोई चीज इवन नंबर है, मतलब 2 से डिविजिबल है, तो उस नंबर के अंदर 2 जरूर आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, उसमें क्या कह रहा है, एंड डेट एवरी ओड, एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, डेट एवरी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q+1 की फॉर्म में होगा, और q यहां पे क्या है, सम इंटीजर्स, ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो हम सबसे पहले अभी तक इवन पे डिस्कस कर रहे थे ना, अब ओड पे डिस्कस कर लेते हैं, ओड नंबर पे। सबसे पहले बताओ भाई ओड नंबर में, ओड नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 के भाग में ना है। जैसे एक उदाहरण में क्या ले लेते हैं कि जो 2 से डिवाइड ना होता हो, हमने ले लिया 9 को, 9 ले लेते हैं, 9 2 से डिवाइड नहीं होता। अब क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूं, 8+1 9 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 × 4+1 = 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन मैंने बस समझा, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो अब इसको, इस चार को मैं क्यों मान लूं, या कोई भी इंटीजर्स, क्यू इक्वल्स टू क्या है कोई भी इंटीजर्स है, कोई भी नंबर है, क्यू क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी एनी नंबर है, सम इंटीजर्स, तो हम इसको क्यू मान, मैंने इसको क्यू मान लिया और ये प्लस वन हो गया, ये टू है। तो कोई भी ओड नंबर इस फॉर्म में होगा, क्योंकि भाई नंबर इसी फॉर्म में होगा, ओड होगा तो इसी फॉर्म में होगा, तभी तो टू से डिविजिबल नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही है, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो भी नंबर होगा इसी फॉर्म में इतने में ही होगा, इसी फॉर्म में होगा, तभी ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। दो से किससे डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओड नंबर के पहचान क्या है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। अब क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको इरेज कर देता हूं,
समझ में आ गया कि इवन नंबर क्या होगा, जो दो से डिविजिबल हो, ओड नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो दो से डिविजिबल हो वो, जो दो से भाग हो वो इवन नंबर कहलाते हैं, सम संख्याएं कहलाएंगी, जो दो से भाग ना हो वो सम संख्याएं नहीं कहलाएंगी, बात समझ में आ रही है। अब लेते हैं भाई क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। अब क्या कह रहे हैं, तो हमने मान लिया इसका आंसर लिखेंगे। अब आंसर कैसे करते हैं, सबसे पहले हम मान लिए, हमने मान लिया लेट लेट ए इज एनी पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, प्लस का साइन और वी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b किसके बराबर है, 2 के बराबर, क्योंकि ये जो है 2 के बराबर क्यों होगा, रीजन अपने मन से नीमा नाम ने, यहां पे क्या है दो से डिविजिबल होना चाहिए, क्यू की फॉर्म में कह रहा है, क्यू की फॉर्म में कह रहा है, टू क्यू की फॉर्म में, तो हमने दो यहां से लिया है, क्योंकि हमें पता है कि क्यू के बगल में क्या होता है, b होता है ना, b होता है, ये b की फॉर्म में होता है, हमने ये फॉर्मूले में देखा ना, कौन से फॉर्मूले में, a बी क्यू प्लस आर में, तो क्यू के बगल में क्या होता है, बी होता है, इसलिए हमने टू को टू माना है, ठीक है ना, अपने मन से कुछ भी नहीं माना हमने, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से फील करवा के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से टाइम देके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपने टाइम दे दिया तो इसकी गारंटी है कि आपके अच्छे मार्क्स तो आने ही आने हैं। अब यूजिंग या बाय यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन, डिवीजन एल्गोरिदम, इसका एल्गोरिदम यूज करेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहते हैं, ए बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होगा, जीरो से या जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा, यहां तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले, तो अब इस वाले केस में हमने बी की जगह टू रख दिया, क्यू की जगह क्यू रखा, आर की जगह पे अभी हमने डिसाइड नहीं करा, लेकिन हमारा बी जो है, आर क्या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, बी तो हमें पता है टू है, तो बी से एक कम होता है, वन हो सकता है, और नहीं हो सकता ना, क्योंकि टू रख ही नहीं सकते। तो जब हम पहले केस में आते हैं, व्हेन व्हेन आर इक्वल्स टू जीरो, जब आर जीरो है, जब आर जीरो है तो हम क्या कहेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ए टू क्यू प्लस आर, आर मतलब जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू क्यू, तो हम ये जो 2q है दो से मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब दो से डिविजिबल होगा, तो ये भाई इवन नंबर है, यस इट इज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, यस यस इट इज, इट इज एन इवन इंटीजर, या इवन नंबर, इवन नंबर कह देते हैं, एक इवन नंबर है। अब इसको देखते हैं दूसरे वाले को, जब एक होता है आर, मतलब यहाँ पे तो हमने क्या रख दिया, जीरो रखा, अब अगले वाले में क्या रखेंगे, आर रखेंगे, वन रखेंगे। अब देखो भाई, व्हेन जब आर बराबर क्या है, एक होगा, तो भाई हमारा क्या है, बी क्यू प्लस आर, क्यू की जगह पे क्या था, क्यू की जगह पे, क्यू की जगह पे क्या था, टू था, क्यू की जगह पे क्या था, टू था, यहां पे टू था, तो अब हम पुट करेंगे वन को, टू क्यू प्लस वन। देखो भाई, ये तो दो से डिविजिबल है, अगर हम इसी को उठा के देखते हैं, ये दो से डिविजिबल है, जैसे नो नाइन का अभी एग्जाम्पल लिया था, नाइन का एग्जाम्पल भाई, एट प्लस वन, तो एट तो डिविजिबल है टू से, बट ये तो नहीं है ना, वन तो नहीं है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
अलग अलग कर दिया, ये तो डिविजल हो गया, खत्म हो गया, इसका चार हो गया, लेकिन ये तो नहीं हो रहा ना, इस वजह से इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओड, या ये ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, it is odd number, और हम लिख सकते हैं लास्ट में आंसर देंगे hence, इसका मतलब क्या है, hence the positive even number can be expressed in the form of 2q and also नहीं लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं and the positive odd number can be expressed in the form of 2q plus 1, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखो भाई, इसमें मैंने बताया था कि किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में, वेट रेजर यूज कर दिया, हाइलाइटर। देखो भाई, 2q की फॉर्म में क्या होगा, इवन नंबर होगा 2q की फॉर्म में होगा, और ओड नंबर किस फॉर्म में होगा, ओड नंबर होगा इस वाले फॉर्म में, प्लस वाले फॉर्म में। ये सारी बातें हमने क्लियर कर ली, ये समझ में आ रहा है, तो यही बातें मैंने आपको समझाया था, और एक एक चीज समझाने की कोशिश करी है। आप बहुत अच्छे से शांति से इस वीडियो को देखिए और समझ जाएंगे, जल्दीबाजी मत मचाना, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, और कॉपी पेन लेके ही नोट्स बनाते चलते चलो, बहुत अच्छे से सिलेबस कवर करवाऊंगा मैं आपको। अब देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है क्या है, सो डैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ओड के बारे में आप तो अभी तक सुन ही लिया है, ओड नंबर क्या होते हैं, ओड के बारे में आपने सीख लिया है, ओड नंबर क्या है, ओड इंटीजर्स जो दो से डिवाइड हो, क्या कह रहा है, इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। तो अब क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन को मैंने समझा दिया था, जो दो से डिविजिबल हो, अब इसको अच्छे से मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवाना सिखाऊंगा, उसमें उतनी डिटेलिंग नहीं दूंगा, बात समझ में आ गया, अब उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं दूंगा। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, लेट मी वाइट कलर, देखो भाई, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड बी किसके बराबर है, 4 के बराबर है, 4 कहां से, ये वाला 4, इस पे मैंने बताया था ना, ये 4 है, तो अब 4 के बराबर जब ये है, तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि भाई जब 4 के बराबर है तो हमें क्या यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि इस फॉर्मूले पे यही यूज होता है, क्योंकि बगल में क्या होता है, 4 होता है, बी होता है, और बी हमने क्या माना है, अभी बी क्या माना है, हमने 4 माना है, क्यू के बगल में क्या है, 4 है, और
क्योंकि बगल में हमेशा फॉर्मूले में क्या होता है, बी होता है, तो इसलिए हमने बी इसको मान लिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इरेजर यूज करते हैं, अब शुरू करते हैं भाई नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट स्टेप। तो भाई क्या यूज करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसका यूज करते हैं। भाई क्या होता है, ए बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होता है, जीरो या जीरो के बराबर, और बी से छोटा होता है, एक छोटा होता है बी से। तो अब यहां पे बी हमारा क्या है, बी फोर है, क्यू हमें नहीं पता, आर ये है। आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार तो कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं इसमें, इसमें देखते हैं, जब जब r किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर, तो a फोर क्यूब प्लस जीरो। तो अब हम इसको लिख देंगे ये, तो फोर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू क्यूब, तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, टू एम, वेयर हमने मान लिया m क्या है, m मान लिया मैंने इसको, 2q को हमने क्या मान लिया, m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये क्या है, इट इज, ये क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव इंटीजर्स है तो भाई दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब दो से डिवाइड होगा, तो जब ये दो से डिवाइड होगा तो क्या ये ओड रह गया, ओड नहीं रहा, ये इट इज इवन नंबर, ये क्या हो गया, इवन नंबर है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वाले पाते हैं। अब हम आर को क्या मानते हैं, वन मानते हैं, अभी हमने जीरो ले लिया, जीरो ले लिया, अब हम किसको मानेंगे, वन को मानेंगे, तो वन लेते हैं भाई। When r equals to 1, तो a 4q plus 1। अब देखो भाई क्या ये दो से डिवाइड हो रहा है, दो से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 4q हो जाएगा लेकिन ये दो से डिवाइड नहीं हो रहा पूरी तरीके से, जैसे 4q plus 1 है। अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, 2q लिख दूंगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, ये दो से डिवाइड भी कर दिया मैंने, मतलब दो से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, ये तो हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा, लेकिन 1 बटे 2 तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ओड नंबर, इट इज ओड नंबर, इट इज ओड नंबर, या इसको लिख सकते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओड नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओड नंबर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं भाई। अब क्या कह रहा है कि हमने हमने मान लिया, क्या क्या मान लिया, जीरो भी मान लिया, वन भी मान लिया, अब टू मानेंगे, आर बराबर कितना है, टू। व्हेन आर इक्वल्स टू टू, तो ए फोर क्यू प्लस आर, आर बराबर मतलब टू है, हमने ये मान रखा है। अब देखो भाई यहां पे बात ऐसी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचा, 2q plus 1, और अब इतने को मैंने कोई एक इंटीजर मान लिया, कोई इंटीजर मान लिया, मैंने कोई एक नंबर मान लिया, मान लिया मैं ये m 2 है, यहाँ पे m 1 मान लेता हूँ,
यहाँ पे क्या है M1 मान लिया, M1 छोटा सा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर वेयर M1 M2, M1 तो हो गया, M2 इज एन आ पॉजिटिव इंटीजर, आ पॉजिटिव इंटीजर, बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले क्या कहते हैं कि भाई हमने टू भी ले लिया, अब थ्री की बारी है, व्हेन आर इक्वल्स टू थ्री, अब थ्री लेते हैं तो भाई ए प्लस फोर पहले था, ए प्लस फोर क्यू पहले था और आर की जगह पे थ्री आ गया, अब हमने थ्री पुट करते हैं। अब देखो ये क्या क्या हो सकता है, अब इसको कोशिश करो, यहाँ पे देख लो पहले कोशिश करो, आपने इसको लिख लिया ऐसे, इसको उठा लिया और हमें ये प्रूव करना है, एक मिनट एक मिनट, बस यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देना, इट इज इवन नंबर, एन इवन नंबर, भाई जब दो उसे डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इस वाले पॉइंट पे फिर से दोबारा आ जाते हैं, तो चार क्यू प्लस थ्री, इसको हम लिख सकते हैं टू फोर क्यू प्लस टू प्लस वन, अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया टू को और यहाँ पे कोई वैल्यू रख देते हैं, मान लो डी रख देता हूँ, डी कोई नंबर है इस पूरे को डिवाइड कर, तो अगर मैं इसको टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट ये तो पूरा डिवाइड नहीं होगा ना टू से, तो ये क्या है, ये ओड नंबर की फॉर्म में है, ओड नंबर की फॉर्म में है, समझ में आई बात, ये किस फॉर्म में है, ओड नंबर की फॉर्म में, बात क्लियर हो रही है। तो हम लिखेंगे इट इज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ ओड नंबर, ये ओड नंबर के फॉर्म में, ओड नंबर की फॉर्म में है, बात क्लियर होगी। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, भाई इतना हमने जो समझा है, अब इसका आंसर लिखने की प्रयास करेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है, सो डैट एनी पॉजिटिव, सो डैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना और इतना, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे भाई ओड नंबर के बारे में बताया था तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस 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 द द हैंस द एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फोर क्यू प्लस वन और फोर क्यू प्लस थ्री, बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ समझ के, मैं सबसे पहले समझाने में विश्वास रखता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से समझाने में विश्वास रखता हूँ। क्या कह रहा है भाई, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू की बर्फियाँ हैं उसके पास में, 420 काजू की बर्फीज हैं, 420 हाईलाइट कर देते हैं, 420 हैं। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ये तो बहुत पैसा है, अच्छा कलर नहीं है, और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, ये भी वैसा ही कलर निकला, कोई लाइट कलर लेते हैं, पीले वाला ले लेते हैं, हल्का पीला। शी वॉन्ट्स टू, भाई हमें पता चल गया बर्फियाँ कितने कितने प्रकार की हैं, एक तो 420 काजू की बर्फी हैं, काजू की नहीं, हाँ काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी है, 130 है। शी वॉन्ट्स टू स्टक देम इन अ सच वे ईच स्टक हैज सेम नंबर, सेम नंबर, यहाँ पे देखना सेम नंबर कहने की कोशिश कर रहा है, एक ही नंबर हो स्टक उसका जो है, ईच सारे हर एक स्टक कितने का हो,
सेम नंबर का हो, है ना, बर्फी बनानी है तो मतलब उसको रखना है किसी ट्रे में, तो उसकी जितनी लाइनें हैं, स्टक लाइनें जितनी हैं, उतने ही लाइनों में बर्फी उतनी ही हो जितनी लाइनें हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लाइन भी ना बने और एक्स्ट्रा बर्फी भी ना हो। दे टेक अप द लीस्ट एरिया, कम एरिया उसने डिसाइड करा है ऑफ ट्रे, मतलब क्या कह रहा है कि ट्रे का कम एरिया ऑक्यूपाइड हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टक फॉर दिस पर्पस, क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टक, ईच स्टक में कितनी बर्फियां रखेंगी, मतलब उसमें कितनी बर्फी रखनी पड़ेगी, यही बातें कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई 420 बर्फी है काजू वाली, 130 बर्फी है बादाम वाली, और वो चाहता है कि भाई जितनी लाइनें बने ट्रे में, जितनी लाइनें बने उतनी ही बर्फियां आए, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा और ट्रे की कम से कम जगह यूज हो, मतलब कम से कम जब ट्रे की जगह यूज करेंगे तो बर्फी में लाइनों की जगह सबसे ज्यादा होगी, कम से कम ट्रे में होगा जगह यूज करने के लिए, तो ऊंचाई रखनी पड़ेगी ना, स्टक ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें हमें क्या क्या पता है, काजू की बर्फी जो है, काजू की बर्फी, काजू की जो बर्फी है, काजू की जो बर्फी है, बर्फी 420 है, और जो बादाम की है, बादाम की बर्फी है वो है 130। बात क्लियर हो रही है? अब क्या कह रहा है कि भाई कम से कम करना है, तो मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें रखना है, ज्यादा से ज्यादा लाइनों में स्टक में रखना है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा और मुझे कम से कम जगह चाहिए और ज्यादा ज्यादा, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, HCF ऑफ किसका, 420 और 130 का, 420 और 130 का, तो बड़ा वाला बार के अंदर, बड़ा वाली, बड़ी वाली संख्या अंदर होती है और छोटी वाली संख्या बाहर, तो भाई ये कितने टाइम में जाएगा, तीन बार में जाएगा, 39 0, यहाँ पे कितना बच गया, 0, यहाँ पे 12 3 हो गया, यहाँ 130 3 टाइम, ये 4 टाइम में जाएगा, 120 हो जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, 4 टाइम में गया तो भाई कितना आ जाएगा, 120, यहाँ पे 10 आ गया, ये 3 टाइम 0। तो अब भाई हम वही यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज करें, बाय यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज करें, यूक्लिड के एल्गोरिदम को यूज करें, ये शॉर्ट नेम है इसका, यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज करें। तो भाई ए क्या है, बी और क्यू और ये आर है, हमें फॉर्मूला पता है B प्लस आर, तो हम रख देते हैं भाई A 420 130 इंटू 3 प्लस आर कितना होगा 30, और 130 इंटू 4 प्लस 10, अब 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 इक्वल्स प्लस प्लस 0, तो भाई हमारा HCF क्या आया, HCF क्या आया, 4 आया, सॉरी 4 नहीं आया, 10 आया, HCF क्या आया, 10 आया, तो हम आंसर लिखेंगे इसमें, आंसर क्या लिखेंगे, 4 कितने, व्हाट इज द नंबर कैन बी एक्सप्रेस द ईच स्टक, 4 4 of that can be, 4 is the, that can be नहीं लिखेंगे, या 4 that can be placed in each stack,
ठीक है ना, बात क्लियर होगी, ये आंसर है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब भाई एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज क्या कहती है, पहली एक्सरसाइज कह रही है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ निकालो। सेम प्रोसेस अब शुरू हो गया है भाई क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले यूक्लिड का आपने जितना अभी तक पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लीजिए, और अभी जितने मैंने एग्जांपल समझाए बस उसको रिवाइज कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो भाई एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था 135 225। अब डिवीजन करते हैं 135 का, 135 और 225, तो जो बड़ा है अंदर जो छोटा है बाहर, वन टाइम गया तो ये कितना हो जाएगा 135, यहाँ पे माइनस होने पे जीरो, यहाँ कितना 90 हो गया। अब फिर से इससे डिवाइज तो कितना हुआ वन टाइम, यहाँ क्या है 45, 90 कितना गया टू टाइम्स जीरो आ गया। तो अब भैया हम लेंगे इसका एल्गोरिदम का यूज करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ए बी इंटू क्यू प्लस आर। अब देखो भाई एक एक वैल्यू रखते जाएंगे। ए कितना है इस वाले केस में 225, बी कितना है 35 इंटू वन, आर कितना है 90, ठीक है ना। अब 135 ए हो गया, यहाँ पे ए कितना हो गया 135, बी इतना हो गया, क्यू इतना हो गया और आर इतना हो गया। तो 90 इंटू वन प्लस 45। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले केस में ए कितना हो जाएगा 90, और ये बी और ये क्यू ये आर। तो अब लेते हैं भाई 90 45 गुना 2 प्लस 0। एच सी एफ क्या आ गया, एच सी एफ आया भाई 45। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई इसको, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ये करता हूँ, ये आप मत कर लेना, ये जो मैं क्यू ए और ये समझाने के लिए आपको ऐसे साफ साफ प्रेजेंट करके आना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब जैसे लिखा है ऐसे। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वाले पे क्या कह रहा है, 196 को 38,220 का एच सी एफ निकालना है। तो अब हम लिखेंगे एच सी एफ ऑफ एच सी एफ ऑफ 196 38 220, ठीक है ना। अब इसका एच सी एफ निकालते टाइम में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले वन टाइम जाएगा भाई, ये 200 के आसपास है, ये 300 कुछ है, बस ये 200 से 4 कम है ये, लेकिन बहुत ज्यादा गैपिंग है तो जा नहीं सकता, तो वन टाइम ले जाएंगे। तो वन टाइम गया तो कितना आया, यहाँ पे माइनस होने पे 96, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 है, ये 1 यहाँ पे 17 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया। और अब इस 2 को यहाँ पे उतारेंगे, कितने टाइम गया 9 टाइम ले जाएंगे, ये 1800 है, ये 200 के आसपास है, तो हम इसको 9 टाइम ले गए, 9 टाइम ले जाएंगे। तो 9 टाइम जब जाएगा तो ये कितना हो गया 1764 हो जाएगा, 9 बार अगर इसका पहाड़ा पड़ेंगे तो 1764 हो जाएगा। अब 1764 में से हमने माइनस करा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये आएगा 5 और ये 9, 5 और ये इतना, वेट एक मिनट कुछ रेज करना है मुझे, यहाँ पे आएगा 9 आएगा, 9 कितना आएगा 9 आएगा,
9 आएगा ना, 18 हो जाएगा यहाँ पे, 2 से इसमें से माइनस, यानी 18। और फिर उसके बाद आ जाता है 117 या 58 आ जाएगा। इरेज करते हैं, एक मिनट फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वन टाइम गया, यहाँ से फिर से करते हैं, वन टाइम गया, एक एक कैलकुलेशन फिर से करेंगे। वन टाइम गया तो ये कितना बचा, 2 बच गया, यहाँ कितना बचा, 7 है, 7 बच जाएगा, 2 गया तो 7 बचा, 17 18, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ कितना, 1 बचेगा। अब 2 को यहाँ पे ले गया तो कितनी टाइम गया, 9 टाइम ले जाएंगे, 9 6 54 9 81 6 8 9 1 9 17 17 64 आया यहाँ पे, 17 64 आया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पर बच गया 11 5, और यहाँ पे 0 आएगा ही, तो एक और भी यहाँ पे ले आते हैं। तो अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यहाँ 9 है, यहाँ 5 बार ले जाते हैं इसको, 5 times, क्योंकि यहाँ पे 6 है और ये 5, 0 कब आता है, 6 गुना 5 तभी तो 0 आता है, 30 आता है 30 का, तो ऐसे ही हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा, 580 आ जाएगा 5 time में, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो सबसे पहले अब जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, इसको रफर को इरेज कर देते हैं पहले, तो फिर काम करते हैं थोड़ा सा, बात समझ में आई। सबसे पहले 196 को डिवाइड करा, फिर ऐसे ऐसे सब कैंसिल आउट होते होते 0 आ गया। तो अब जिससे डिवीजन 0 आ जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम कह देते हैं 100, वही क्या होता है हमारा HCF हो जाता है, वही क्या हो जाता है हमारा HCF। तो हम लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ए बी क्यूब प्लस आर, ए कितना है 38 222 38 220, और बी कितना है, ये बी हो जाएगा, एच सी एफ वही बी होता है, और ये कितना होगा 195 प्लस 0, तो एच सी एफ क्या आया, एच सी एफ 196। बात क्लियर होगी, अब नेक्स्ट वाले पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा आपको समझा के जाएगा। तो एच सी एफ लिखेंगे, एच सी एफ निकालना है 867 एंड 255 कह रहा हूँ मैं। अब डिवाइड करते हैं, सबसे पहले बड़ा वाला अंदर छोटे वाले को बाहर रखेंगे, और कितनी टाइम, ये 250 के आसपास है, कितनी टाइम जाएगा, 3 time जाएगा डिवीज़न में। तो अब यहाँ पे लिख दिया हमने 765, यहाँ पे कितना बच गया 102, माइनस करने पे 102, अब 255 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, डिवीज़न कितनी बार जा सकता है, 2 बार, यहाँ पे कितना बच गया 51, अब 51 को इससे डिवाइड करा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 102, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि भाई एच सी एफ इसका क्या आ गया, 51 आ गया, लेकिन लिखने का तरीका हमारा क्या है, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम बाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, अब 8867, एक मिनट इरेज कर दूं। अब हमारा ए क्या है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना, ए क्या है हमारा, ए ये है, बी ये है, क्यू ये है, आर ये है,
समझाने का प्रयास करूं मैं आपको। 867, 255 इंटू 3 प्लस आर कितना है, 102 है, 255। अब ए यहाँ पे 255 हो गया, बी ये है, क्यू ये है, आर ये है, तो 255 200 गुणा 2 प्लस 51। अब 102 को हम लिख देंगे 102 51 गुना 2 प्लस 0, तो अब 0 जिस पर आता है वही HCF होता है, तो अब हम इसको लिखेंगे हैंस 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 मतलब इस अर्थात HCF ऑफ 67 एंड 255 इसका क्या हुआ 51 आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया, सो दैट हाइलाइटर का यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ना, समझने की कोशिश करना, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करना, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अगर आपको समझ में आए ना कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले कई बार उसको पढ़ो, अपने आप सॉल्यूशन आ जाता है। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स मतलब जो दो से डिवाइड ना हो, इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड डेट एंड डेट, जहां क्यू क्या है, क्यू क्या है पॉजिटिव इंटीजर, सम इंटीजर्स, क्यू क्या है यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। अभी क्वेश्चन को हम करते हैं शुरुआत, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम मान लेते हैं लेट लेट ए इज एनी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू 6। बी क्या है, 6 है, तो हम बाय यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां पे लेते हैं, यहां क्या कह रहा है कि भाई ये जो B हमने मान रखा है वो क्या है, 6 है और Q R है, Q प्लस R, R क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 केस बन गए। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका असल क्या है। तो सबसे पहले हमने मान लिया, पहले जब हमने क्या मान लिया, आर जीरो है, वन ही, जब आर जीरो है तो ये क्या हो गया, सिक्स क्यू प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू हो जाएगा। अब ओड इंटीजर्स है तो ओड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हमने मान लिया ऐसे, और इस Q को हमने मान लिया क्या है, M है, M मान लिया, और यहां पे लिख देंगे वेयर M, M1 ले लो, M1 इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, मतलब क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख देंगे इट इज एन इवन नंबर, या इवन नंबर की फॉर्म में है। अब हम, हमने जीरो रख दिया, अब हम वन रखेंगे, आर बराबर वन रखेंगे, व्हेन आर इक्वल्स टू वन, तो ए बी
बी की जगह पे क्या हो जाएगा, सिक्स तो हमें पता है, बी की जगह पे सिक्स है, बी की जगह पे क्या है सिक्स है, क्यू प्लस वन। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको थ्री क्यू प्लस ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम m मान लेते हैं, m2, m2 प्लस वन, तो हम लिख देंगे वेयर m2, m2 इज एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर है, ओड इंटीजर कह रहा हूँ, एनी इंटीजर्स, ओड इंटीजर्स नहीं लेते, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, बात क्लियर होगी। अब तो हम ये कह सकते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ, या इट इज ओड नंबर, ये कह देंगे इट इज ओड नंबर, यह क्या है ओड नंबर है, ये क्या है ओड नंबर, एन ओड नंबर, ये ओड नंबर है। अब फिर हमने वन ले लिया था, जीरो ले लिया, वन ले लिया, अब टू लेंगे, व्हेन आर इक्वल्स टू टू, तो ए सिक्स क्यू प्लस टू, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, टू ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, थ्री बच जाएगा, थ्री क्यू प्लस वन, इसको हमने मान लिया, इतने को हमने क्या मान लिया, एम थ्री, टू तक तो मान लिया था, एम थ्री मान लेंगे, एम थ्री वेयर एम थ्री इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो भाई ये क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट, इट इज एन इवन नंबर, भाई जब दो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन नंबर है, और डिवाइड भी हो जाता है जब दो से मल्टीप्लाई में है किसी नंबर के, तो वो दो से डिविजिबल अवश्य होगा, तो ये बात समझ में आ गई। अब लेट मी चेंज द कलर, अब हमने टू ले लिया था, अब हमारी किसकी बारी है, रिमाइंडर लेने की, थ्री की बारी है, ए सिक्स क्यू प्लस थ्री, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, टू प्लस वन लिख सकता हूँ, और इतने में से मैं थ्री को कॉमन ले टू को कॉमन ले लेता हूँ, टू क्यू थ्री क्यू प्लस वन प्लस वन, इतने को हमने एम फोर मान लिया, एम फोर, तो टू एम फोर प्लस वन, ये तो भाई पूरा टू से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा टू से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, बट ये वाला तो नहीं होगा, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, इट इज, और यहाँ पे ये लिख देंगे वेयर एम फोर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहां पे लिखेंगे इट इज एन ओड नंबर, भाई ये तो ओड ही नंबर होगा यहां से यहां तक का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेते हैं भाई, थ्री तो हमने ले लिया था, अब किसकी बारी है, फोर, आर हमने थ्री ले लिया था, अब फोर की बारी है। अब एक कलर और ले लेते हैं, ये वाला फेवरेट कलर मेरा है, ये ले लेते हैं कोई सा, व्हेन आर इक्वल्स टू फोर, तो भाई क्वेश्चन में पुट कर दिया आर की जगह पे फोर, अब इसमें से मैंने टू कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, थ्री क्यू प्लस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने मान लिया जो ये है एम टू एम फाइव है, वेयर एम फाइव इज एनी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर,
जब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो हम कह देंगे, और ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो ये क्या है, इट इज एन इवन नंबर। ये क्या है, एक इवन नंबर है। अब लिखते हैं भाई, 4 हमने ले लिया, अब 5 लेने की बारी आएगी। हमने 5 ले लिया, व्हेन आर इक्वल्स टू 5, एक 6 क्यू प्लस 5। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1 लिख सकता हूँ 5 को। अब इसमें से इतने में से मैं 2 को कॉमन लूंगा, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा m6 मैंने मान लिया, इतने को क्या मान लिया, m6 प्लस 1, तो वेयर m6 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जब m6 एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लिख देंगे इट इज एन ओड नंबर। ये क्या है, एक ओड नंबर है ना, एक ओड नंबर है, तो हम लिखेंगे इसके बारे में हैंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो कौन कौन सा ओड है। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा, ओड कौन कौन सा है, ये तो पहले वाला इवन निकल गया, फिर दूसरे वाला जब आर वन हो गया तो ये ओड निकला, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये भी इवन निकला, ये ओड निकला, ये इवन निकल गया, अभी ओड ही निकला, ठीक है ना। अब लिखेंगे हैंस, तो इसका मतलब क्या है, जब इवन ओड निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर q क्या है, q इज सम इंटीजर। बात क्लियर होगी, हैंस रूप ने प्रूव कर दिया, अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अच्छे से समझना है भाई, क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तभी अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, एक आर्मी कंटिजेंट है, उसमें कितने मेंबर हैं, 616 मेंबर है, इज 2 मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड पे मार्च करना है, और 32 मेंबर परेड में है, कितने मेंबर हैं परेड में, 32 मेंबर हैं, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब ये असल बात यहाँ से शुरू हो रही है, सेम नंबर ऑफ कॉलम में करना है हमें, सेम नंबर ऑफ कॉलम में, बात समझ में आ रही है, कैसे सेम नंबर ऑफ कॉलम में, वही बर्फी वाला क्वेश्चन जैसा है, यहाँ वहाँ पे बर्फियों की बात हो रही थी, यहाँ आदमियों की बात होगी, और दो ग्रुप हैं उसके, दो ग्रुप हैं। अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इन विच दे कैन मार्च। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, हमें निकालना क्या होगा, HCF निकालना होगा, क्या निकालना होगा, HCF व्हाट, 616 एंड 32 का, ठीक है ना, इसका HCF निकालना होगा, 32 डिवाइड बाय
616 कितनी बार में डिवीजन गया, वन टाइम 32, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 29। अब यहाँ पे हमने किसको ले लिया, 6 को ले, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6 जब गया तो 9 टाइम में जाएगा 19, अब ये 19 हो गया, 288 अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, 9 से 18 और ये 27, एक 28 ये हुआ। अब यहाँ कितना बच गया, 8 हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे 32 से और ये कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा और 0 हो जाएगा, 8 चौक 32 0। अब रफर को इरेज करते हैं और लिखेंगे लिखेंगे क्या, बाय यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब क्या है, ए बी क्यू प्लस आर, यही है 32, बी हो गया और क्यू कितना है 19 हो गया और आर कितना हुआ 8 हुआ, आर यहाँ पे ये ए आर होगा, ये इसको आर कहेंगे 8 को, ठीक है ना, और ये 616। अब फिर 32 8 गुना 4 प्लस 0, एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आया 8। तो कितने कितने के कॉलम बनेंगे, कितने कितने के कॉलम बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो 8 कॉलम्स, 8 कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, या ये भी लिख सकते हैं दे कैन मार्च इन 8 कॉलम, ठीक है ना, बात क्लियर होगी, 8 कॉलम में, कितने कॉलम्स होंगे, 8 कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर समझने वाला क्वेश्चन है, फिर से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे समझदारी से, क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का यूज करना है टू शो द स्क्वायर ऑफ, अब ध्यान से सुनना, यहां से बातें उठेंगी, एक मिनट, और कौन सा कलर ले, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर लेना है, अब कहानी बढ़ रही है, अच्छे से समझने की प्रयास करना, आइदर ऑफ द फॉर्म, ये वाला 2m की फॉर्म में होना चाहिए, 3m की फॉर्म में होना चाहिए, या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, और m यहाँ पे क्या है, सम इंटीजर है, ठीक है ना। अब लेते हैं भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है, हमने मान लिया लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने इंटीजर मान लिया, एंड b क्या है 3 मान लिया, हमने क्या माना b कितना है 3 है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यहाँ पे लेमा का वर्ड यूज कर रहे हैं, लेमा यूज करेंगे, ठीक है ना, लेमा का यूज कर रहे हैं हम। तो भैया इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ए बी बी क्यू प्लस आर, आर किसके बराबर है, 0 से बड़ा है और बी से छोटा है, तो ए कितना है हमें नहीं पता, ए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बी कितना है 3 है, और ये आर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा ही नहीं क्योंकि बी से कम होता है, बात क्लियर होगी। अब हम रखते हैं केस 1, केस फर्स्ट में व्हेन
आर इक्वल्स टू जीरो, आर क्या है जीरो है, तो हम ले लेते हैं ए प्लस थ्री क्यू प्लस जीरो, तो यहाँ क्या हो गया थ्री क्यू। अब क्यू की जगह पे हम कोई इंटीजर इसको एम में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये अभी यहाँ पे बात चल रही है बस इतनी। अभी हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को समझने की गहराई से कोशिश करते हैं। देखो भाई, अब क्वेश्चन में ये भी तो कह रहा था स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में करते हैं, तो स्क्वायर दोनों साइड में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बात हुई, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी, तो स्क्वायर करते हैं। तो ये कितना आया, नाइन स्क्वायर क्यू, नाइन क्यू स्क्वायर, नाइन क्यू स्क्वायर, तो इसमें से हमने कॉमन क्या ले लेना है, थ्री को कॉमन ले लिया, तो थ्री क्यू स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ इसको थ्री एम वन मान लिया हमने, ये एम मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, इतने को हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे वेयर एम, यहाँ पे बोल ही रखा है क्वेश्चन में कि एम क्या है, सम इंटीजर्स है, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब दे रखा है हमें तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है वेयर एम इज इंट, तो हमें सीधा यहाँ तक हो जाना है। अब नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट केस में हमने क्या अभी तक ले लिया था, जीरो ले लिया, फिर उसके बाद हमें वन लेना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के, आर इक्वल्स टू वन, तो ए थ्री क्यू प्लस वन, अब क्या कह रहा है, स्क्वायर भी था, स्क्वायर करो इसका भाई, हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, ए प्लस बी की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए की स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये क्या हो गया, ये नाइन क्यू स्क्वायर प्लस, अब इस वाले में निकालने पे देखते हैं, ए हमने इसको माना है, ए ये है, बी ये है, तो ए थ्री क्यू इंटू वन, ये कितना आया सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस वन। अब इतने में से थ्री को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, थ्री यहाँ पे क्या बच गया, थ्री क्यू स्क्वायर टू क्यू प्लस वन, यहाँ पे हुआ थ्री एम, इसको हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, और ये वन है। तो अब यहाँ पे इस फॉर्म में केस सेकंड हम ले रहे थे, केस सेकंड को सोल्व कर रहे थे, अब केस थर्ड में आ जाते हैं। केस थर्ड क्या कहता है कि भाई जब केस वैसे ही नाम है, सारा प्रोसीजर वही चल रहा है, आर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, तो हमने ले लिया ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर थ्री आ जाएगा, थ्री क्यू प्लस टू स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, इसका टू स्क्वायर हुआ नाइन क्यू प्लस, अब बी की जगह पे टू ए बी, तो टू इंटू ए कितना है थ्री क्यू, बी कितना है टू है, ये फोर हो जाएगा फोर ट्वेल्व क्यू, ट्वेल्व क्यू प्लस फोर स्क्वायर, इसका फोर हो जाएगा। अब देखो भाई, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको फोर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, फोर को हम लिख सकते हैं, फोर को हम लिख सकते हैं थ्री प्लस वन लिख सकते हैं, और इतने में से हमने थ्री को कॉमन ले लिया, तो थ्री को कॉमन लिया, तो यहाँ थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन और प्लस वन यहाँ पे, तो इसको हमने मान लिया एम, थ्री एम प्लस वन, तो ये थ्री एम प्लस वन हो गया। तो हमें इन सारी बातों से ये पता चल गया, यहाँ पे हम इस आंसर को, इसको ये जो रफ वर्क है इसको रेज कर देते हैं और बताते हैं यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे। हमने तीनों केस को ट्राई कर लिया, तीनों केस को ट्राई कर लिया, और अब इससे कंक्लूजन निकला कि भाई जो जो भी नंबर है स्क्वायर है, किस किस फॉर्म में निकला है,
जो पॉजिटिव इंटीजर्स है किस फॉर्म में निकला है, 3m की फॉर्म में निकला है, 3m प्लस 1 की फॉर्म में निकला, हमने ऐसे ही तो चेंज करा है। तो हम लिखेंगे हैंस, यहाँ पे लिख देंगे हैंस, हैंस एनी द स्क्वायर ऑफ एनी, हम ये लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एनी, एक मिनट इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा द, उफ इरेजर टूल क्यों यूज नहीं हो रहा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q+6q, हमेशा वो क्वेश्चन क्यों याद आ रहा है, 6q क्यों याद आ रहा है भाई, अब तो हो गया था वो, 3m और 3m plus 1 where m is some integer, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं वही क्वेश्चन, फिर इसमें भी वही ध्यान देना है। देखो भाई यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्यूब रखना है हमें, लेट मी चेंज द कलर, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिदम यहां पे नहीं है क्योंकि सीक्वेंस नहीं बन रहा इसमें, लेमा का यूज करना है, सो दैट द क्यूब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना एंड इतना एंड इतना, समझ में आ रहा है। अब लेते हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, उठा लेते हैं भाई, लेट मैंने मान लिया लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू व्हाट, बी इक्वल्स टू हमने मान लिया यहाँ पे b हम 9 मान सकते हैं लेकिन हमें क्यूब निकालना है, तो क्यूब 9 तो आ जाएगा, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पे 3 रख दिया, अपने हिसाब से 9 भी हम ले सकते हैं लेकिन हमें ज़्यादा केसेस जो जोड़ेंगे मतलब 8 तक 0 1 2 3 4 9 केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें 3 केसेस सॉल्व करने से मिल जा रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 होता जैसे 2q, अब हमें 2 की फॉर्म में निकालना है, तो अगर यहाँ पे 4 क्वेश्चन में दिया होता तो हम 2 भी लेके जा सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 के अंदर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम 3 लेके चलेंगे, केसेस सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि क्यूब का केस है ना, 9 3 का क्यूब होगा, अगर 3 का क्यूब होगा तो कितना होगा, 27 होगा, और इसके अंदर क्या है, 9 × 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो 9 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो हम 3 लेके ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, बात समझ में आई, लेते हैं भाई। हाइलाइटर क्यों हो रहा है पेन, देखो भाई बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा का यूज हमने किया ए बी क्यू प्लस आर 0 बराबर है आर और बी, ठीक है ना। अब हमें ले लेना है क्वेश्चन में, ए हमें नहीं पता बी कितना है, 3 है, आर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम देखते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है ना। हम लेते हैं केस, केस 1, केस 1 फर्स्ट, और फर्स्ट केस में क्या है, आर इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो ए इक्वल्स टू 3q+0 तो 3 क्यू आ गया। अब स्क्वायर हमने क्यूब कर देना, क्यूब
थ्री क्यू, तो इतना हो गया 27 क्यू। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 3 इंटू क्यू क्यू क्यूब, तो इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। और इसमें क्या कह रहा है, अच्छा m नहीं बताया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर वेयर m इज सम इंटीजर, सम इंटीजर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले केस में आ जाते हैं, केस केस सेकंड में, और इसमें r क्या है, r इक्वल्स टू 1 है, r इक्वल्स टू व्हाट, 1 है। तो हम ले लेते हैं भाई a 3 क्यूब प्लस 1, और क्यूब कर देना इसका। अब एक बात ध्यान में रखना बच्चों, a प्लस b के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, ठीक है ना, हर पार्ट में। तो सबसे पहले हम सारे पार्ट को समझते चले जाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे लेते हैं 27, इसका a प्लस b के क्यूब पे ब्रेक डाउन करेंगे, 27 क्यूब प्लस क्यू क्यूब, 27 क्यू स्क्वायर, 9 प्लस 1, और अब इतने में से हम क्या ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 9 क्यू क्यूब 3, यहाँ 3 होगा, 9 नहीं होगा, 3 क्यू स्क्वायर 1 ब्रैकेट प्लस 1। अब इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया, वेयर m इक्वल्स टू m इज सम इंटीजर, ठीक है ना। अब ये सम इंटीजर्स हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब केस ये m इंटीजर हमें पता चल गया और ये बात पता चल रही है, तो हम केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड r इक्वल्स टू 2 a क्यूब प्लस 2, इसमें क्यूब कर देंगे, क्यूब क्यूब करा हमने, तो इसी आइडेंटिटी पर रखेंगे 27 क्यू क्यूब, और फिर उसके बाद आएगा इसका 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, तो इसका हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इतने में से हमको क्या कॉमन ले लेना, 9 को कॉमन ले लेना, 9 या 3 क्यू क्यूब या 54 या 6 क्यू स्क्वायर या 4 क्यू प्लस 8। अब इसको हमने इसको मान लिया m और 8 यहाँ प्लस है। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इज सम इंटीजर, तो हमें पहले केस से दूसरे पहले केस से ये पता चल गया 9m, सेकेंड केस से क्या पता चला इस वाले फॉर्म का, थर्ड केस से इस वाले फॉर्म का पता चला, तो हम लिख देंगे हैंस एनी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर डैट कैन बी
एक्सप्रेस्ड कौन कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, देखो हमने क्या क्या अभी प्रूव करा है। 9m की फॉर्म में, 9+1 की फॉर्म में और 9m+8 की फॉर्म में, 9m की फॉर्म में एंड 9m+1 की फॉर्म में और 9m+8 की फॉर्म में, वेयर m इज सम इंटीजर। एक्सरसाइज फिनिश होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो आपको अगर नोट्स चाहिए तो। ठीक है ना, लेक्चर फिनिश हो गया।